सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को लेकर। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग देखोगे आज के दिन हमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 20% का जो इसका लिमिट है ना, अभी सर्किट लिमिट है, वो यहाँ पर हमें अचीव होते हुए नजर आया। यानी 20% का स्टॉक ने एक फ्रेश बाउंड वीक हाई भी बनाया, एक फ्रेश हाई स्टॉक ने लगा लिया। उसके साथ साथ इतनी जबरदस्त तेजी स्टॉक में आखिरकार क्यों रही है। कल की वीडियो आपने आई थिंक देखी हुई, तो मैंने डाला था इसका रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के बाद ऐसी तेजी बनना स्वाभाविक है भाई। ठीक है, ऐसी तेजी बनना स्वाभाविक है, रिजल्ट ऐसे आएंगे तो तेजी बनेगी भाई, कौन रोक सकता है। तो रिजल्ट्स ने आप लोग देखोगे भी पूरा का पूरा योगदान दिया आज की इस तेजी के पीछे। और रही बात आगे के लेवल, अगर आप लोगों की एंट्री है, फिर आप लोगों ने होल्डिंग इसके अंदर पहले से बना रखी है, फिर आज आपने एंट्री ली है, तो आगे के कैसे हो सकते हैं इसके लेवल वगैरह, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या यहाँ से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना चाहिए? क्या आने वाले 2-3 साल में जो स्टॉक है वो और अच्छे रिटर्न दे सकता है? अभी टाइम 20% के आसपास स्टॉक पहुंचा हुआ है, एक जबरदस्त रैली, 6.5 मिलियन की वॉल्यूम यानी 65 लाख के आसपास हाई वॉल्यूम भी आते हुए नजर आई है। अगर जिस भी भाई ने इसके रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो चलिए थोड़ा बहुत हाईलाइट डाल लेते हैं अभी रिजल्ट्स आखिरकार कैसे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में ये रैली बनी है। ठीक है, अगर रिजल्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देखोगे भी जो कंपनी ने रिवेन्यू डिस्क्लोज किया अभी मार्च क्वार्टर के दौरान, प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है 1177 करोड़ से सीधा 1290 करोड़ का। और इसके सेम ईयर में, ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था, प्रीवियस मार्च क्वार्टर में 1009 करोड़ का। तो रिवेन्यू में आप लोग देखोगे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे रहे हैं, 429 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में 390 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 347 करोड़, यानी कि वहाँ से भी इसके प्रॉफिट्स में जंप रहे हैं। सॉरी, ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी इसके नीचे में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है ये देखो, यहाँ पर भी हमें जो ना अभी जंप देखने को मिला है। तो सभी जगहों पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो या फिर आप लोग देखो कि इनकम हो, सभी जगहों पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर बैंक ने किया है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से वहाँ से कंपेयर करोगे तो वहाँ से हमें जो है ये डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसने जो प्रॉफिट्स यहाँ पर अर्न किया है, प्रॉफिट जो इसने बनाया है आखिरकार वो कैसा है, तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के दौरान 321 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 134 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में लगभग 100% प्लस का इजाफा। ठीक, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 81 करोड़ का प्रॉफिट था वहाँ पर, 81 करोड़ से सीधा 321 करोड़ पर। तो यहाँ से और क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों जगह से आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 200% के आसपास, क्वार्टर टू क्वार्टर 100% के ऊपर में। तो इतने शानदार रिजल्ट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है अभी स्टॉक में तो तेजी बनेगी। अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे भी ईयर टू ईयर लगभग 14 रुपये 70 पैसे से इंक्रीज होकर पहुंचा कहां पर, 34 रुपये 60 पैसे। क्वार्टर क्वार्टर आप लोग देखोगे भी 18.30 से इंक्रीज होकर पहुँचा 34.60 तक। तो इतना अच्छा रिजल्ट आएगा तो अभी जाहिर सी बात है स्टॉक के ऊपर तो पॉजिटिव असर रहना है। तो ये कारण रहे हैं इस स्टॉक में एक जबरदस्त रैली के, और आगे के कैसे रहेंगे अभी इसके लेवल वगैरह चलिए वो देखते हैं चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी जो ना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो सपोर्ट है वो रहेगा अभी 516 रुपये का, और यहाँ से एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट अभी हाल ही में मार्च के आसपास या फरवरी के आसपास इसका आईपीओ आया था भाई। ठीक है, फरवरी के आसपास, सॉरी, तो फरवरी में इसका आईपीओ आया था। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है। ठीक है, और यहाँ पर जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है नीचे में वो 516 का है, और स्टॉक में ऊपर से आप लोग देखोगे अभी के टाइम हल्का फुल्का फॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये फॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है और कुछ नहीं है कारण। ठीक है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली जो स्टॉक है वो सर्किट लगा चुका है, 20% का एक बहुत शानदार रैली स्टॉक में रही है, ये तेजी के पीछे के कारण आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, 516 का अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हुआ है, तो इसका जो ये प्राइस है 561 का, इसे आप लोग सपोर्ट के तौर पर रखिए अभी के टाइम। ठीक है, तो ये लेवल रहेंगे। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। रही बात टारगेट की, तो अगले 3 से 6 महीने में जो ये स्टॉक है, ठीक है, अगले 3 से 6 महीने में स्टॉक आपको 800 से 900 रुपये तक के मूव दिखा सकता है, अगर इसी प्रकार के रिजल्ट्स इसके आगे भी आते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, इन सबको देखते हो स्टॉक में 800 से 900 रुपये तक के मूव बन सकते हैं अगले 3 से 6 महीने में। तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यहाँ से काफ़ी अच्छा बनने की संभावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।